आप सबको जय शो। बच्चों आप कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और बड़े मजे के साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने फोर्थ लेसन कंप्लीट किया था और आज हम अपना फिफ्थ लेसन शुरू करेंगे, जिसका नाम है ईश्वर की महिमा ईसा प्रकट करते हैं। तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। तो आइए आप सभी अपने हाथ जोड़े, आंखें बंद करें और प्रार्थना करेंगे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता ईश्वर, आप हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि आपकी महिमा को हम देख सके, पहचान सके और आपकी महिमा करते हुए अपने जीवन बिता सके। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आमीन। बच्चों, जैसे मैंने आपसे कहा कि आज हम अपना फिफ्थ चैप्टर शुरू करेंगे, इस चैप्टर में हम ईश्वर की महिमा ईसा ने कैसे प्रकट किया, लोगों को कैसे दिखाया, इसके बारे में दिया गया है। और महिमा दिखाने के लिए ईश्वर ने कई सारे चमत्कार दिखाए। उन्हीं चमत्कारों में से कुछ चमत्कार इस लेसन में हम सीखेंगे, जिससे ईश्वर ने अपनी महिमा लोगों को दिखाई ईसा के द्वारा। तभी ईसा पर सभी लोगों ने, सभी वहां के विश्वासियों ने विश्वास किए कि ये ईश्वर के पुत्र है। तो चलिए, आपको कहानियां पसंद होगी ना, तो हम वैसे ही एक कुछ कहानी के रूप में ईसा के जीवन में ईसा ने किए हुए कुछ चमत्कारों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक विवाह भोज में क्या हुआ। आप लोगों को भी पता होगा ना विवाह भोज क्या होता है। वहां पर काना के, यहूदिया के काना में एक विवाह भोज था। उस विवाह उत्सव में ईसा की माता मरियम, ईसा और उनके शिष्य भी आए हुए थे। और तभी ईसा की माता को, यानी माता मरियम को पता चला कि उन लोगों की अंगूरी समाप्त हो गई है, खत्म हो गई है। और यहूदियों के लिए अंगूरी एक मुख्य पेय था। अगर वो खत्म हो जाए तो उनको बहुत शर्म आती थी, अपमान होता था। इसलिए जब माता मरियम को पता चला कि उनकी अंगूरी खत्म हो गई है, उन्होंने ईसा को जाके बताया कि उनकी अंगूरी खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है। तब ईसा ने माता मरियम से कहा, भद्रे, उससे आपको और मुझे क्या, मेरा समय अभी नहीं आया है। लेकिन फिर भी माता मरियम ने वहां के सेवकों को, नौकरों को कहा कि ये जैसे तुमसे कहेगा वैसे ही करना। और माता मरियम की यह बात सुनकर ईसा ने पहला चमत्कार किया। वहां पर यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए 6 पत्थर के मटके थे और ईसा ने उन नौकरों से कहा कि इन मटकों को पानी से भर दो। सेवकों ने वैसा ही किया, उन 6 मटकों को पानी से पूरा भर दिया। और पानी से भरने के बाद ईसा ने कहा कि अब इसमें से निकाल कर प्रबंधक के पास, विवाह उत्सव के प्रबंधक के पास ले जाओ। और जैसे ही वो उसे वहां पर पानी को ले गए तो वो अंगूरी में बदल गया था। और प्रबंधक ने कहा कि ये सबसे अच्छी अंगूरी है। इससे, इस चमत्कार को देखकर ईसा के शिष्य भी उनमें विश्वास करने लग गए। ये उनका सबसे पहला चमत्कार था जिससे उन्होंने ईश्वर की महिमा को प्रकट किया। इसी तरह दूसरी एक घटना में, जब ईसा अपने जीवन में प्रवचन देते हुए यहाँ वहाँ जा रहे थे, हर नगर गांव में जा रहे थे, कई बार उनको गलीली के सागर के आर पार जाना पड़ता था। एक बार जब ईसा अपने शिष्यों के साथ नाव पर गलीली सागर के उस पार जा रहे थे, तब वे
थकान के कारण दुम्पार पर तकिया लगाकर सो रहे थे। जब नाव एकाएक सागर के बीच में आ गई तो अचानक से आंधी तूफान मचने लगा और इस तूफान में, इस आंधी में नाव डगमगाने लगा। शिष्य सारे बहुत डर गए, सोचने लगे कि वे अब मर जाएंगे। तब उन्होंने ईसा को जाकर जगा के कहा, गुरुवर देखिए हम मरने पर है, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? तब ईसा जाग कर वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। और अचानक से वायु थम गई, सागर भी समुद्र भी एकदम शांत हो गया। इसे देखकर भी शिष्य बहुत अचंभे में भयभीत हो गए और ईश्वर की महिमा गाने लग गए। और उन्होंने कहा, आपस में एक दूसरे से कहा, आखिर ये कौन है जिसे वायु और समुद्र भी जो वो कहते हैं उसे मानते हैं। इस प्रकार उन्होंने, ईसा ने ये दिखाया कि उन्हें इस सारी तकलीफों में हमें शांति देने का अधिकार है, वो हमें शांति प्रदान करते हैं। तो देखा बच्चों, जब भी हमारे जीवन में कोई तकलीफ आए, अगर हमको लगेगा कि हमारे जीवन में बहुत बड़ी आंधी तूफान आ रही है, तो हमें सिर्फ एक ही काम करने की जरूरत होती है और वो है ईसा को पुकारने की, और ईसा हमारे जीवन को संभाल लेते हैं। तो अब हमने दो घटनाएं देखी, एक काना के विवाह भोज में जो ईसा ने किया, और दूसरा जब ईसा ने समुद्र को शांत किया। ये दो घटनाओं के जैसे ही और भी बहुत सारी घटनाएं हैं, उसमें से तीसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, बैतसैदा के रोगी को स्वस्थ करने की। बैतसैदा यरूशलेम का एक कुंड था। ईसा एक पर्व के लिए, एक मुख्य पर्व के लिए यरूशलेम गए और तब वे इस कुंड के वहां पर भी गए। इस कुंड की, इस बैतसैदा कुंड की एक विशेषता थी कि वहां पे रोगी स्वस्थ हो जाते थे, उस पानी से रोगी स्वस्थ हो जाते थे। ईसा जब वहां गए तब उन्हें पता चला, उन्हें पता था कि वहां पर एक अर्धांग रोगी थे जो 38 साल से बीमार थे, रोग से तड़प रहे थे। इसलिए उन्होंने उस अर्धांग रोगी से जाकर पूछा, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? अगर आप लोगों से अगर ईसा ये पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? हम तो यही कहेंगे ना कि हमें चंगा होना है। लेकिन इस रोगी बहुत निराश था, इसलिए उसने कहा कि मुझे, मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जो पानी के लहराने पर मुझे पानी में उतार दे। तब ईसा ने ये कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो, अपनी चारपाई लो और चलो। ये सुनते ही, इस वाक्य से ही अर्धांग रोगी ठीक हो गए और वह चलने फिरने लगा, पूरी तरह से स्वस्थ हुआ और ईश्वर की महिमा किया। तो देखा बच्चों, जब भी हम कभी बीमार हो, कोई भी तकलीफ हो, हमेशा हमें ईसा के नाम को पुकारना है, तब ईसा हमें परेशानियों से छुटकारा देते हैं। और जब हम बीमार हो जाते हैं तब हमें चंगाई देकर स्वस्थ भी करते हैं। इसी प्रकार एक और बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, जब उन्होंने मृत लाजरस को जीवन प्रदान किया। लाजरस ईसा के एक बहुत ही खास मित्र थे और वो लाजरस मार्था और मरियम का भाई था। आप लोग भी दोस्तों के साथ बहुत ही मजे में रहते हैं, है ना? उसी प्रकार ईसा और लाजरस भी बहुत अच्छे मित्र थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि लाजरस बीमार हो गया, और जब वो बीमार हो गया, उसके बहनों ने, यानी मार्था और मरियम ने, ये कहला ईसा को भेजा कि लाजरस बीमार है। लेकिन
ईसा जब 2 दिन बाद बेथनिया में गए तब उन्हें पता चला कि लाजरस तो पहले से ही मर चुके थे और वो मर के 4 दिन हो गया था। लेकिन जब माता को पता चला कि ईसा बेथनिया आए हैं तो वो दौड़कर ईसा के पास गई और उनसे कहा, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता, लेकिन मुझे ये पता है कि अब भी आप जो ईश्वर से मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। तब ईसा ने उनसे कहा कि तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्ता को लगा कि ईसा अंतिम पुनर्जीवन के बारे में कह रहे हैं। तब मार्था ने उससे कहा कि मुझे पता है कि अंतिम समय में लाजरस जी उठेगा। तब ईसा ने उसे जवाब में कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करेगा वह मर के भी जीवित रहेगा और जो मुझ में विश्वास करते हुए जिएगा वो कभी नहीं मरेगा। तब मार्था ने अपना विश्वास प्रकट किया और कहा कि ईसा वह मसीह है जो संसार में आने वाले थे। ईसा कब्र के पास गए और लोगों से कहा कि वहां कब्र के सामने से पत्थर हटा दे। तब मार्था ने कहा कि अब लाजरस मरकर 4 दिन हो गए हैं और वहां से दुर्गंध आती होगी। तब ईसा ने फिर से उससे कहा कि मैंने तुमसे कहा है अगर तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देख पाओगी। इसके बाद लोगों ने कब्र में से पत्थर हटा दिया। ईसा आंखें ऊपर उठाकर पिता से प्रार्थना किया और ऊंचे स्वर से कहा, लाजरस बाहर आओ। तब लाजरस जीवित हुआ और वह बाहर आ गया। सभी लोगों ने यह देखकर ईश्वर की स्तुति की, महिमा गाए। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा ईसा ने कितने सारे बड़े बड़े चमत्कार किए। ये सारे बड़े चमत्कारों के साथ साथ उन्होंने यहाँ वहाँ और भी बहुत सारे चमत्कार दिखाए हैं और ये सारे चमत्कार उन्होंने ईश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए दिखाए। लोगों ने इन चमत्कार को देखकर उन पर विश्वास किया। लेकिन ये सारी बातें हमें इसलिए दिखाई गई हैं ताकि हम भी ईश्वर की महिमा जान सके और उन पर विश्वास कर सके। आपको पता है बच्चों, ये सारे चमत्कार जो हम पढ़ रहे हैं, काना के विवाह भोज का, ईसा समुद्र पे चलते हुए, बेतसैदा के रोगी को स्वस्थ करते हुए और लाजरस को जिलाते हुए, ये सारे चमत्कार जो हैं हमें पवित्र ग्रंथ में, पवित्र बाइबल में दिया गया है। तो आप सभी इस पाठ को पढ़ने के साथ साथ पवित्र ग्रंथ में से इन चमत्कारों को भी पढ़ना ताकि हमारा विश्वास और गहरा हो सके, हम ईश्वर की महिमा जान सके और पहचान सके। तो बच्चों, मैं विश्वास करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप इस पाठ को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे और याद करोगे, अनेक चमत्कार जो हैं उन्हें समझेंगे ताकि हमारे विश्वास को हम और दृढ़ कर सके। बच्चों, आज हम फिर से प्रकटीकरण काल के गुरुवार के प्रभात वंदना के एक गीत को हम सीखते हैं। बहु तेरे चमत्कार लिए, चिन्ह तथा सामर्थ्य लिए, सुत ईश्वर भू पर आया, उन्नत महिमा प्रकटाई प्रकटाई। जय जय गाए होठ सभी, जीव के दाता प्रभु जी की, जय जय गाए सुनु की, जीवन के चिर स्रोतस की स्रोतस की। बच्चों, जैसे हमने गाया है उसी प्रकार हम सदा ही अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति और जय हमेशा निरंतर करते रहे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग
ये गाना सुनेंगे, सीखेंगे और गाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। तो अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर को हल करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, काना में चमत्कार दिखाने की प्रेरणा ईसा को कैसे हुई? इस प्रश्न का उत्तर आपको पेज नंबर 35 में मिलेगा, जो इस प्रकार है, काना के चमत्कार दिखाने की प्रेरणा ईसा को माता मरियम के निवेदन से हुई। आपका दूसरा प्रश्न है, जब ईसा ने समुद्र को शांत किया तब शिष्यगण की प्रतिक्रिया क्या थी? इसका उत्तर आपको पेज नंबर 36 में मिलेगा, और उसका उत्तर है, जब ईसा ने समुद्र को शांत किया तब शिष्यगण भयभीत हुए और उन्होंने प्रभु की महिमा गाई। अब आपका तीसरा प्रश्न है, बेत्सैदा के अर्धांग रोगी को कौन से पवित्र वचन द्वारा ईसा ने चंगा किया? इस प्रश्न का उत्तर भी आपको पेज नंबर 36 में मिलेगा, और वह पवित्र वचन जिससे ईसा ने बेत्सैदा के रोगी को चंगा किया वह है, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। आपका चौथा प्रश्न है, यह जानकर भी कि लाजरस रोगी था, ईसा ने बेथनिया जाने में क्यों देर की? और उसका उत्तर है, यह जानकर भी कि लाजरस रोगी था, ईसा बेथनिया जाने में देर की, क्योंकि वे जानते थे कि यह रोग ईश्वर की महिमा के लिए है तथा ईश्वर के पुत्र को महिमानित करने के लिए है। अब आपका आखिरी प्रश्न, पांचवा और आखिरी प्रश्न है, लाजरस को जिलाने के पहले ईसा अपने आप को प्रकट करते हुए मार्था से कौन सा पवित्र वचन बोले? इस आखिरी प्रश्न का उत्तर भी आपको पेज नंबर 37 में ही मिलेगा, और वह पवित्र वचन जिससे ईसा ने अपने आप को प्रकट करते हुए मार्था से कहा वह यह था, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करेगा वह मरकर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जिएगा वह कभी नहीं मरेगा। तो देखा बच्चों, इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर भी बहुत आसान है। मैं विश्वास करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इस पाठ का पूरा जो भी महत्व है उसे समझेंगे और अपने जीवन में भी उतारेंगे, ताकि ईश्वर की महिमा कर सके। तो इस पाठ को समाप्त करने से पहले हम फिर से एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। तो आइए आप सभी हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हे पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आपकी महिमा समझने और जानने के लिए मदद किया। हे प्रभु, हमें हमेशा हमारे साथ रहिए, ताकि हम सभी एक दूसरे के साथ एकमत होकर आपकी स्तुति महिमा सदा कर सके। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आमीन। आप सबों को जय यीशु। Thank you.